कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। मैंने कहा क्या बात है? मेरे को छोड़ दो जी, और तुम भी जाओ अपनी चाय जी के पास, जो लड्डू बंटवा रहे हैं मेरे पुत्र के मरे पर। मैं समझा नहीं। तो जाओ बैठक में, लाला जी को समझाने चाय जी और वीरा वाली बैठे हैं, साथ साथ तुम्हें भी समझा देना है। लेकिन हुआ क्या? होगा अब, जब तुम्हारी मेहनत की कमाई की एक एक पाई चली जानी बिच्छू वाली डायन के पास। उसने जमया लाला जी का पोता वारिस। लाला जी उसे पोता माने तब ना? मनवाने बैठे चाय जी, दिखा रहे तीरिया हट कि आज 40वें दिन तो मैंने जाना ही है चोला पहनाने वास्ते। मैं बेकार की जिद नहीं कर रही हूँ जी, 5वें 6वें 11वें दिन नहीं गए चलो कोई नहीं, लेकिन आज के दिन भी नहीं गए तो बड़ी बदनामी हो जानी है जी बिरादरी में। और बदनाम करने वालों ने तो हर तरह से बदनाम करना है, अभी नहीं जाने में बदनाम कर रहे हैं, जाओगे तो जाने पे बदनाम करेंगे। ऐसे वक्तों में तो घर में कोई सियानी होनी ही चाहिए। लोग कह रहे हैं कि सास जेठानी और ननद सबके होते हुए जच्चा बच्चा की देखभाल के लिए कोई नहीं आ रहा है। वो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि संग दिल लाला जी ने बेटे को कार से निकाल दिया। निकाला तो है ही। क्यों निकाला, क्या ये पता नहीं है तेरे को? फिर मेरी एक बात सुनो, विनती करती हूँ। सुना। लाला जी, हम दोनों पोते का मुंह देखने के लिए तरसते रहे हैं। मंदिरों में मन्नतें मनाई, गुरुद्वारे में मत्था टेका, दरगाहों पर चद्दर चढ़ाई, तब जाकर रब ने ये पोता दिया। उसे ना अपनाना तो रब की तौहीन करना होगा। पोता देने से पहले ही पुत्र छीन लिया उसने। शुभ शुभ बोलो जी। उस दिन तो मैं ये समझ के चुप रह गई कि कोई नहीं, गुस्से में कह दिया। लेकिन अगर इस तरह मेरे सामने ही मेरे जिंदा बच्चे को मरा बताना है तो मेरा आपका झगड़ा हो जाना है। बेटा तो मेरा भी है। आप बेटे के बाप हो माँ नहीं, तभी इतनी आसानी से कह देते हो कि वो। दादी मैं ले आई मुंशी जी को पकड़ के। लो जी, ड्राई फ्रूट मेवा, सर्विस सेवा, हुकम करो बीबी जी। मुंशी जी, शहर मीठा बाजार के निका शाह से मिठाई मंगवाओ, बांटने के वास्ते लड्डू और घर के वास्ते सभी तरह की मिठाइयां। कितनी जी? 5-10 के मन दो मन। मन दो मन क्या मुंशी जी? मिठाई स्वीट खाओ ईट। 12 लड्डू ले आना, 8 दूसरी मिठाइयां। मिठाई चाहिए जी, क्यों मंगवाने लगे हो? आज पाशो के छोटे भाई को चोला पहनाना है हमने। मेरा भाई तो यहाँ हुआ था, बिच्छू वाली कैसे चला गया? एक डायन के जादू से। कौन डायन बताओ ना, प्रजाई जी भी उसी का नाम लेकर रोते रहते हैं कि मेरे भाई को ले गई। मैंने जाके बहुत लड़ा उस डायन से। पता नहीं किस तरह की बातें करते हैं बच्चों के सामने। मैंने बिच्छू वाली जाके वापस ले आना है अपने भाई को। ठीक है, तू मेरे साथ चलना, हम उसे यही ले आएंगे। तू कहीं नहीं जाएगी, सुना पाशो? जी सिर्फ मिठाई, और तो कुछ नहीं ले आना ना। मिठाई भी नहीं लानी है, सुना? शानू ने कहा तो मेरे को यकीन नहीं ना हुआ, आप लोग मिठाई बांटने चले। आपके रलिया के यहाँ चौथी बार पुत्र होके मर गया, इसकी खुशी है आपको? छी छी, बीबी रानी ने कहा और तूने मान लिया? तेरे को अपनी अकल नहीं ना है पुत्र? तेरे को इतना भी नहीं समझ आता कि आज हवेली के पुत्र को चोला पहनाने की रस्म होनी है? बाऊजी, चाही जी तो हवेली के सामने मुझे कभी कुछ लगाते ही नहीं। क्या आपने भी यही कहना है कि जिस हवेली ने आपको छोड़ दिया उसकी खुशी तो आपकी खुशी है, लेकिन जिस रलिया ने आपका साथ निभाया उसका गम आपका गम नहीं है? वीर जी, आप बात को इस तरह क्यों पेश करते हो? नहीं, वो ठीक कह रहा है, बिच्छो वाली कोई नहीं जाएगा। सुना? सुनने की बात हो तो सुने, हवेली की सास भी नहीं जो हम ये समझ ले कि उसी ने आकर हमारे पोते को नया चोला पहना देना है। हवेली के घर हमारा पहला पोता पैदा हुआ है, पोता। पोता छोड़, अवतार पैदा हो गया हो, हमें क्या है? मेरे को तो है, मैं तो जाऊंगी। आप जाना जरूरी नहीं है मुंशी खजानचंद जी, हुकम करो राय साहब। बीजी जो जो बताएं
वादे आना। चंगा जी। मुंशी जी ने क्या करना है वहां जाके, ये तो जनानियों वाले काम है। रब तेरा भला करे वीरा वाली, मुंशी खजान चंद इन बातों में जनानियों से भी ज्यादा जनाना है, क्योंकि सात बेटों का बाप है। बताऊं, मुंशी जी कहते हैं। तू चुप कर पाशो। बाऊ जी, जो मेरी मानो तो आप किसी को मत भेजो, पुलिस केस में फंसा हुआ है हवेली। शहर के इतने बड़े रईस का पोता और उसे 40वें दिन दादी की ओर से नया चोला ना मिले। मैं तो ये पूछती हूँ कि इतने रईस का पोता क्या कंगाली में पलेगा, और हवेली बेचारा तो बेकार है इन दिनों। मुंशी खजानचंद, रुपया 51 मेरी ओर से भी दे देना, फिर महीने का महीना देते रहना उसकी परवरिश के लिए। यही बुनिया मुन्ना मेरा राजा है, ईंठ घोड़ा ताजा है, सोने दिया पौड़िया चांदी का दरवाजा है। मुन्ना मेरा राजा है। क्या बात है मास्टर जी? आज 40वें दिन पर भी नहीं आए चाय जी वगैरह। पता नहीं आप क्यों उम्मीद कर बैठे हो उनके आने की, आना होता तो पहले दिन ना आ जाते। इधर जब से बाऊजी के वकील साहब मुझे बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, मुझे लगा कि शायद आपको नहीं, अपने फर्म को बचाने की। चाय जी बाऊजी दोनों को ही बड़ी ललक थी पोते का मुंह देखने की। ललक थी तो आते। वैसे सोचता हूं कि बाऊजी वकील साहब को बीच में ना डालते तो अच्छा था। मेरा अपना मन तो यही था कि सब कुछ कबूल कर लूं। मेरा बच्चा और हमें यहाँ छोड़ के जेल चला जाऊं? मैं इसीलिए तो घर गृहस्थी में फंसने के खिलाफ था। मैंने फंसाया? आपने तो एक ही बेड़ी डाली थी, दूसरी बेड़ी तो इन्होंने डाल दी। सच, कहीं मैं जेल चला गया तो आप लोगों का क्या होगा? मेरी फिक्र मत करो, मुसीबतें झेलने की आदी हूँ बचपन की। आप तो अपना लेख पूरा कर लो, पैसे कमाओ। अब क्या लिख रहे हो बाऊजी? यूरोप में युद्ध खत्म हुआ, अब भारत में क्या होगा बताओ माता जी, बताओ। इनकलाब, लेकिन तभी जब हर आदमी ये समझ लेगा कि आजादी हमें ना तो अंग्रेज का कोई दुश्मन दिलाएगा और ना अंग्रेज हमें बख्शिश करेंगे। आजादी तो हमें लड़ के लेनी होगी। मैं भी ललूंगा बाऊजी। लोते लोते ललोगे बलकुलदार। मैं देखती हूँ, कोई शायर शोर होना है तो मैंने उसे वहीं से भगा देना है। लूना नहीं, हाँ? हवेली राम वल्द गेंदा मल हाजिर है जी। आप? ओ जी, मैं सातपुत्रा दा बाप मुंशी खजान चंद वल दीवान चंद। क्या करी बीबी रानी जी, भीतर आओ ना। चल भी चले, समान रख भीतर, आजा, शाबाश। कौन है लाजू जी? क्यों भाई बरखुरदार, तू जैसे ब्रह्मचारी के अपनी घरवाली को जी कह के पुकारते हैं। मुंशी जी, तबीयत खुश हो गई आपको देख के। मेरी भी है, और तुझसे ज्यादा तेरी वोटी रानी को देख के, सच्ची। भाई बीबी रानी, फॉर शोइंग फेस, मुंह दिखाई, ₹11 ओनली, नो आना पाई। लाजू जी, मुंशी जी के लिए कुछ बना। ओ, नहीं, नहीं नहीं नहीं, सामग्री पेट पूजा तो मुंशी साथ लेके आया है। अब तो भाई गुड मैन, तू दिखा नई फैमिली लाल टैन। चल भाई चल।
कहाँ है भाई? जी ये है धर्मपाल। अरे वाह वाह वाह, लाला धर्मपाल कहो जी। लाला जी ये देखो आपके दादा दादी ने आपके लिए क्या कुछ भिजवाया है। ये देखो जरा फड़ी फड़ना काका, ये देखो ये कड़ा सोने का है, और ये देखो ये झुंझुना ले 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 चांदी का है, और ये देखो ए, ये 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 अंगूठी माला जड़ी हुई है, और वो गिन्नी कांगी भाई ये रही गिन्नी, ये देखो मलिका विक्टोरिया की है, हंसता बदमाश। और ये देखो ये तड़ाई है, इसे पहनेगा तो नजर नहीं लगेगी। और वो देख वो कपड़ा, फ्रूट, मिठाई, मेवा है। और बोलो लाला जी ऑल ता तले आपती थे वा। बाऊजी चाय जी खुद नहीं आए, तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है जी, और बड़ी खुशी है जी उन्हें। ओले मेरी तो मत्ती मारी गई है भाई, लाला जी ने बच्चे के लिए 51 रुपए का वजीफा बांध दिया है। जिस पोते के जन्म पे खुश हुए उसका मुंह देखने आए नहीं? नहीं असल में उनके आने से रलिया राम ने बुरा मान लेना था ना, उसके बेटा होके मर गया तो। कहते क्यों नहीं मुंशी जी, वो समझते हैं कि जादू टोना करके मैंने ही उसे मार दिया है, जबकि हर रोज वही मेरे छोड़ो उस पर... बात को मुंशी जी, आप ये सब चीजें वापस ले जाइए, बुरा मत मानिए, लेकिन चोला पहनाने के लिए मुंशी को नहीं दादी को आना होता है। चलो क्या बात है? ये सामान रखवाना था जी। इसे यहाँ रखवाने के लिए किसने कहा? ये तो आपको वहाँ दे आना था बिच्छू वाली। वहीं से आ रहा हूँ जी, उन्होंने लिया ही नहीं। उनका लौटाया मैं लूँ? फेंको इसे नाली में। क्या हुआ मुंशी जी, आप गए नहीं? गया था जी, लेकिन बैरंग लौटा दिया गया। कह रहे थे नहीं भेजने से बिरादरी में नाक कट जाएगी, अब हो गई नाक ऊंची बिरादरी में। इतना मना किया इन्होंने, लाला जी आप भी इसके हक में नहीं थे, लेकिन यहाँ नेक सलाह सुनता है कौन है? मुंशी जी, जी लाला जी को तो नहीं बताया? जी दुकान गया था जी, बताना पड़ गया, बहुत नाराज हुए जी। जो हमारा बुरा चाहते हैं और करते हैं, कोई बार बार उन्हें पुचकार कर उनकी धुतकार हमें सुनाए, ये तो नाराज होने वाली बात है ही। किसी ने धुतकारा नहीं, उन्होंने यही कहा होना है कि चाय जी खुद क्यों नहीं आए देने, चाय जी आप जाके दो। हाँ थोड़ी और बेइज्जती कराओ हम लोगों की। बीजी ये सामान रख दो मेरे कमरे में। यानी आप जाओगे? बच्चे के नाम का बना है, संभाल के रखना होगा। आइए। बारी दो मेरी। कितनी बारी देनी पड़ती है तेरी बारी? दादी जी ये चीजें मेरे को दे दो ना। ये चीजें तेरे भाई की हैं। तो चलो ना उसके पास, उसे यहाँ भी तो लाना है। लंबी सांसें भर के क्या होना है, चलो जाके दे आते हैं। आज नहीं दिया तो फिर किस काम का देना। जा पाशु तो अपनी भरजाई के पास बैठ, वो अकेली है बेचारी। मैं भी तो अकेली हूँ बेचारी। तू जा, थोड़ी देर में मैं आ जाऊंगी, तेरी बारी भी दे दूंगी। अच्छा दादी जी, आप मेरे भाई को लेने जब भी जाओगे तो मेरे को साथ ले जाना, मेरे को लड़ना भी है डैन से। चलो ना चाय जी। लाला जी नाराज होंगे, इसी करके तो कह रही हूं कि उनके लौटने से पहले ही दे आए चुपचाप। बुआ जी मैंने भी चलना है साथ। अभी आ जाते हैं फिर तुझे ले चलेंगे। नहीं नहीं मैं भी आती हूँ साथ। किधर चली पाशो? दादी जी बुआ जी बिच्छू वाले जाने लगे हैं मेरे भाई को देखने, मैंने भी जाना है डैन से लड़ने।
उन्होंने नहीं लड़ने देना तेरे को उस डायन से, वो तो खुद उसी से मिलने गए हैं। चल। कौन है लाजो जी? जिनके आने का इंतजार था मगर उम्मीद नहीं। जी जी रचित, कोई मनी ऑर्डर आया है क्या? आया है मगर तेरे लिए नहीं, मेरे पोते के लिए। तेरी पाना चाहिए। जीत रहो पुत्र। वीर जी, मैं भी आई हूं। चल आजू, स्नान करके आ। परजाई का नाम नहीं लिया जाता। परजाई तो बाद में बनी, सहेली पहले की है। बात तो बाद वाली ही चलेगी। अच्छा परजाई जी महाराज, आप सुच्चे होकर आओ फटाफट, फिर ये नए कपड़े डालो, तुम्हें रसोई में ले जाएंगे। स्नान हवन वो तो सब हो चुका है। तू ये नया जोड़ा डाल ले, और ये कहने भी तेरे वास्ते तो शादी पर कुछ बना ही नहीं पाई थी। सबसे पहले तो दादी को पोता दिखाओ। चलिए। ये क्या किस पर है? हवेली जैसा तो दिखता नहीं। इतने से बच्चे को देख के क्या पता चलता है? मैंने हवेली को भी इतना सा देख रखा है, इसीलिए कह सकती हूँ। मुझे तो ये बंदर जैसा दिखता है। दूर फेंके वो। मैंने कहा वीरा वाली, ये पोता मेरा कहीं अपनी दादी जैसा तो नहीं दिखता? चाई जी, आपने अपने को भी तो देखा होगा, इतना सा बच्चा। वीर जी के हंसने की खुराक पूरी हो गई। आप लोग आए तो हुई, अब तो कई कई दिन हो जाते हैं इन्हें हंसे हुए। कितने सुस्त हुए पड़े हैं वीर जी। सब साथ रहते सुखी रहते, लेकिन जिद्दी है अपने अपने ढंग की। हवेली पुत्र सुन, लाला जी की नाराजगी पोता होने की खुशी में कुछ कम होने लग पड़ी थी। तूने सामान लौटा के उन्हें क्यों और भड़का दिया? सामान नहीं लौटाता तो आपसे मुलाकात कैसे होती चाय जी? और मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि बाऊजी को कोई खुशी भी हुई होगी पोता हुए की। उन्होंने तो कहा था कि मैंने ये शादी करके कुल के कलंक लगा दिया है, तो मेरा बेटा तो कुल कलंक ही होगा उनके लिए। किसकी मजाल जो मेरे पहलौठे पोते को कुल कलंक कहे? ये तो मेरा कुलभूषण है, कुलभूषण। मैंने कहा परजाई जी, काके का नाम कुलभूषण ही क्यों ना रख दे? जी मास्टर जी ने तो इसका नाम धर्मपाल रखा था। नाम तो दादी का दिया हुआ ही चलना है। क्यों कुलभूषण? देखा, इसको भी अपना नाम पता है। चल जा, अब अपनी परजाई को तैयार कर दे, फिर गाना बजाना भी तो करना है हमने। ले ले माँ बधाइयाँ, नीले ले माँ बधाइयाँ, ऐसा सुंदर बालक जाया उमरा होड़ सवाया। ले ले माँ बधाइयाँ, नीले ले माँ बधाइयाँ, अड़ोस पड़ोस तो साया आया, मैं भी आया देर बधाइयाँ। नीले ले माँ बधाइयाँ, नीले ले माँ बधाइयाँ, साख संबंधी रिश्तेदार मिल के आया सारा परिवार, मसिया बुबिया ताइया चचिया ते पर जाइया, सब आइया देर बधाइयाँ, सब आइया देर बधाइयाँ। ले ले माँ बधाइयाँ, नीले ले माँ बधाइयाँ, नीले ले माँ बधाइयाँ। रब करे जच्चा के भी कीड़े पड़े और बच्ची के भी। मैंने तो तुमसे सुबह ही कह दिया था कि देख लेना, एक दिन ये लोग सब कुछ हड़प लेंगे।
जाय जी तो कहते ही रहते हैं मेरा हवेली बड़ा किस्मत वाला है, मेरा हवेली बड़ा किस्मत वाला है। उन्होंने तो बनाना ही हुआ था किस्मत वाला। कुछ भगवान भी बना रहा है। उसकी करवाली को बेटा हुआ और वो जिंदा रहा। बेटा तो मेरे भी हुआ, उसने मरवा दिया। जिसने मरवाया उसी को गले लगाने गए हैं। चुपचाप गए चोरी छुपे, वो तो पाशों ने बता दिया, वरना हमें तो पता ही नहीं चलना था। कब गए थे? अब तो 2.5 घंटा होने लगा है। इतनी देर से वहाँ है? देरी तो लगनी हुई तुम्हारे किस्मत वाले परा के घर में मिठाइयाँ खिलवाने और नाच गाना कराने में। यानी माए, हरियाणी पैरे, हरियाते पागी परिया, जिस दे हारे मेरा हरियासी जमिया, ओयो दे हारा पागी परिया, कि कुछ दे ये बीबी रानी, इसका कोई सच्चा कपड़ा? कपड़ा क्यों, गाने में तो जेवर है, मैंने तो जेवर ही लेना है। ले ये न दे बीबी रानी, ये तो बनवाया ही तेरे वास्ते था। ले ये दे 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 दे। मैंने तो वीर जी से भी लेना है कुछ ना कुछ। वीर जी तेरे दे ही क्या सकते हैं लेक्चर के सिवाय। और लेक्चर ये सुनेगी नहीं, क्यों? अच्छा ले, ये ले ले। पढ़ने का तो मेरे को बहुत शौक है। तेरे पढ़ने के लिए कुछ दिल्ली से भी आया पड़ा है, जाती बारी ले लेना। क्या ले लेना? इसका दुपट्टा है जी पुराना। चाय जी चले, अब तो बधाइयां शधाइयां सब हो गई। अब कौन आया देने बधाइयां? नमस्ते मास्टर जी। कहिए, आपको गिरफ्तार करने आया था जी।